दोस्तों, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि पुराना जो क्लासिक एडिटर था उसको वापस कैसे लाएं। तो उसके लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप प्लगइन में जाओ, एक ऐड न्यू करते हैं। मैं इसे दूसरे टैब में इंस्टॉल कर रहा हूँ ताकि जब वो नया इंस्टॉल होगा प्लगइन, और तो मैं पुराने वाले से कंपेयर करके दिखाऊंगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इतना पॉपुलर है कि सबसे पहला ही आ रहा है, सेकंड में आ रहा है क्लासिक एडिटर। ये वर्डप्रेस वालों ने हमें बना कर दिया है। तो अगर आप कभी और देख रहे हो और आपके ऐड न्यू वाले पैनल पे क्लासिक एडिटर अगर नहीं आ रहा है, दिख रहा है, तो आप क्लासिक एडिटर नाम से अगर जब सर्च करोगे प्लगइन में, यहाँ पे क्लासिक, क्लासिक एडिटर, तो भी यहाँ पे वो क्लासिक एडिटर आ जाएगा और आप को फिर इसको इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, तो मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। अभी एक बार इंस्टॉल हो जाता है, अभी इंस्टॉल हो गया है, तो मैं इसे कर देता हूँ एक्टिवेट। और एक्टिवेट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि हम लोग पेज पे जाते हैं, जो पेज हमने बनाया ब्लॉक एडिटर ट्यूटोरियल वाला ही एडिट करते हैं, तो इसे एडिट पे जाता हूँ। तो अब आप देखोगे कि ये हमारे पास कुछ इस तरीके का एडिट का ऑप्शन आता है। मैंने इसे जानबूझ के रिफ्रेश नहीं किया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि कितना डिफरेंट हो चुका है अब जो नया एडिटर आया है, और नया पेज का जो डैशबोर्ड में जो पेज का ऑप्शन आता है वो। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक एडिटर था, तो हमारे पास एक नॉर्मल क्लासिक एडिटर आ जाता है, एक वर्डप्रेस के जैसा, वो एक वर्ड फाइल एडिटर के जैसा ही एक एडिटर आ जाता है जहाँ से आप एडिट कर सकते हो। आपके पास बोल्ड ओल्ड करने का ऑप्शन मिलता है। इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है ये, और इसमें जब कोड में आपको जाना होता है तो आप यहाँ पे जाके टेक्स्ट पे क्लिक करके कोड और विजुअल में कर सकते हो मैनेज। और जब कोई मीडिया सेलेक्ट करना होता है तो आप यहाँ से ऐड करते हो, बोल्ड, इटैलिक, लिस्ट बनाना, फॉर्मेटिंग थोड़ा बहुत वो आपको मिल जाता है यहाँ पे। और अगर आप देखोगे यहाँ राइट साइड पैनल पे, तो आपके पास भी ऑप्शन अभी जो थे वो इस तरीके से थे, ब्लॉक और डॉक्यूमेंट का। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लॉक एडिटर नहीं है, तो ब्लॉक हटा कर सिर्फ उसी का मिलता था हमें पहले। तो यहाँ पे पब्लिश करने के सारे ऑप्शन है, पेज एट्रीब्यूट यहाँ पे है, यहाँ पे आप लेआउट सेलेक्ट कर सकते हो और फीचर्ड इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। परमालिंक आप जैसे देख सकते हो कि परमालिंक पहले अब यहाँ पे आ चुका है, पहले क्या होता था यहीं पे आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करके एडिट कर सकते थे, और ये आपके पास टाइटल है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि पहले किस तरीके से था, और अगर ये वाला एडिटर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप किस तरीके से इसे ला सकते हो। तो ठीक है, फिर इस वीडियो के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ब्लॉग कैटेगरी टैग किस तरीके से यूज़ करके आप ब्लॉग बना सकते हो वर्डप्रेस अपने वेबसाइट के लिए। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है अभी भी पेज से रिलेटेड, ब्लॉक एडिटर या फिर क्लासिक एडिटर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है आपको, और मेरा बताने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर लो। और अगर किसी तरीके का कोई फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं वीडियो बनाने के तरीकों को थोड़ा बदल कर जो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा वैसा वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है, फिर इस वीडियो के लिए इतना ही।